एक भजन का नंबर उस परमात्मा के चरणों में सजनों बताते हैं कि गाने वाले के भगवान होते हैं श्रोतागण, और आप किसी बालाजी महाराज से कम नहीं मार लिया आज के दिन, क्योंकि गाने वाले को बढ़ाती भी जनता है और घटाती भी जनता है। अगर श्रोतागण नहीं होते तो कलाकार भी नहीं होते। भगवान का रूप, जितने भी महापुरुष बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे, नौजवान बैठे हैं, सब भगवान का रूप है। माता भगवान बैठी, ये भी भगवान का ही रूप है। एक चौधरी साहब को रिश्ता आ गया, बोलो चौधरी साहब तारे चार बालक बताया, बोलो जी मेरे चार छोरे हैं, बोलो जी क्या काम करे, बोलो चारों डॉक्टर हैं, बोलो जी हैं टाइम में चारों डॉक्टर हैं, तारे तो मौज हो रही है, बोलो जी उनकी टूटी कड़े कड़े हैं, बोलो जी मन तो कौन करो, मन तो शाम का हुआ चलो चारों न्यू बुझी में बोलते रहे की बीमारी है, जो मेरे कहानी का तो डॉक्टर ही है। तो कहने का मतलब सजनो, आप तुम्हारे तो कहानी का भगवान हो। आइए ये दो चार मिनट का टाइम, मात्र साढ़े तीन मिनट का भजन उस परमात्मा के चरणों में बताया किस प्रकार से। ये हमारा आपका क्षेत्र बड़े श्रोतागणों का क्षेत्र है, बहुत ही अच्छे कलाकार आपके इस प्रांगण में जाके चले गए, अच्छी बातों को सुनने वाले हैं। एक भजन उस परमात्मा के चरणों में जति सतियों की बात बताया किस प्रकार से। रजती मरती औरी सती बीर के लोको दोष लगाना उड़ना चाहिए, ये पंडित होके जारी करे विद्वान बताना ना चाहिए। नंबर एक में उस कवि ने कितनी अच्छी बात का वर्णन कर दिया किस प्रकार से। जिन भाइया में प्रभाव नहीं वो भाईचारा ना चाहिए, वो छे सभाते व्यवहार करे इसका साहूकारा ना चाहिए, जो वक्त पड़े पे धोखा दे जा प्यारा ना चाहिए, और कलर धरती या बीज न जमे इस हाथ मितारा और ना चाहिए। We'll be right back.
के जागरण होते हैं, ढोको ढोल लगिया। दो प्रकार के जागरण होते हैं, एक जागरण होता है देखने का और एक जागरण होता है सुनने का। ये सुनन को पांच चार मिनट को पच्चीस देखने देखने को है पूरी रात। ये मारला बसना का जमाना आना ये ताकत जा चुका। ये बूढ़िया बैठिया है पंद्रह बीस ये सुनन बूढ़ी बूढ़ी बातन कह बूढ़ी बूढ़ी बीर पानी बैठी ये सुने। क्यों आजकल ये गाना बजाना बड़े जाना है का चाल गया काल पशु को दो सौ छठ में चले गए का करना एक अस्सी साल की उम्र की डीजे के ऊपर नाचे और गानो बजा छण छण बजा बजा मेरी तागड़ी में ये बुढ़ती तेरा हाट बजन की टाइम है बज रही है क्या की तागड़ी बजे। लेकिन ये गाना बजाना है का चाल गया आजकल भरी बात है जमाना से जरूर है कुनिया। लेकिन बताते कि अच्छी बात को सुनने से इंसान के पाप करते हैं। उन कवियों की बात उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बात बताई किस प्रकार से हो त्रिया कितनी हिर प्यारी हो कत्ते भेद खोलना ना चाहिए। बेमतलब के मां मानस ने वृथा जाता डोलना ना चाहिए। सजनों बताते कि इंसान की एक वैल्यू होती है, इंसान का एक तरीका होता है, एक समय होता है। बेमतलब मानस ने वृथा जमाना थोड़ा आजकल रंगारंगी कार्यक्रम का माहौल हो गया। सजनों पहले अपने भजन भावो है करता तो ना बैठ के सुनाया करता को भली भली बात गाया करता। भजनी पर जमाना तो आजकल जा चुका है। क्यों या मेरली गाड़ी पर जानी गैल ने और कड़े पहुंच की दूसरी गली में बढ़ गयो जना भाई जी उसी मुसनी महाराज के जागरण में जानो है मंदिर कड़ से बोलो जी ते भजनी हो के मको हाँ बोलो नाचनाड़ी भी लाया हो के मको ना जना बोले सवाल आराम हो क्यों नींद काली करे। तो आजकल तो देखो नाचनाड़िया भी नहीं जागरण पूरा ही कोनी माने है माली बूढ़ी बूढ़ी बातों का जमाना तो सजनों गैलने चले गए न्यू कह रहे कि गंडासा ने और बूढ़ा आदमी तो आजकल गैलने गैलने जगह मिले वह काम माला भजना करे। हाँ जी जेंट्स जितने भी हैं ये पीछे चबूतरे पे जाएं जी जल जीरो ले क्योंकि पीछे भी श्रोता गण बैठे हम सभी की सेवा करना आपका कर्तव्य हमारा कर्तव्य सभी मिलकर अच्छी सेवा करें। बजना का जमाना बूढ़ा कहीं आ गया एक बूढ़ती का रक्षाबंधन का टाइम और राखी बंधन खातर पीर चल पड़ी। यो गर्मी का टाइम बढ़ जाने बस में चढ़ ली बस भी कौन सी रोड पे जाओ हरियाणा रोड पे बूढ़ती कह रहा फाटक मैं चढ़ी राख ला फाटक ताणी पहुंच गई बूढ़ती ने कोई सीट को दे कंडक्टर कर पहुंच गई रहे बेटा मेरे तो गोडा में दर्द रहे मैंने सीट दिवा वो कंडक्टर भी हरियाणा का था रो तक कहने को बोले ताई कड़ा तो सीट दिवा मुरे बोनट पे बैठ जा भीड़ हो रही चोर की उमपुटी लुगाई ने बापरे ने बोनट के ऊपर बैठा दी। सजनो आग लटे के ऊपर दो मैडम खड़ी काली चश्मा लगाया आर पसाड़ भी खड़ाई पड़े कुमारे बोले मैडम जी ऊपर ना जाओ जू वो मैडम चढ़ी तो नौजवान छोरा बट देनी खड़े होगा बोले मैडम जी मैं तो आगले अड्डे पर उतरांगा उरे बैठ जाऊ मटन जाना नार मोड़ मुड़ा पहले उतर गया
बूटी मथम हाथ मारे मर सीटा नाशियो बूटी लुगाई ने सीट को दी आना छोरिया ने सीट देती खैर कोई बात को नहीं बुढ़ापा है वह बूटती उल्टी बोनट के ऊपर बैठ गई सजनो भी बबूटती बैठ तो गई लेकिन यो जेठ का महीना गर्मी का टाइम किमी तो वो बोनट पड़ा है किमी ऊपर की गर्मी किमी या नीचे की गर्मी आर बबूटती मस कोड़ा मारा बैठी बैठी जाड़ भी जहाँ बैठी वे उन छोरियाँ की नहीं कहा बुढ़लती में पड़गी आर वह छोरी देख देख के आसा हूँ बुढ़लती का नहीं बुढ़लती देख रहा आसा तो तन नहीं है खड़ी बोले छोरियो मेरे का नहीं देख देख के क्या आसा हो विशेष साल घट जब मैं बोनट पता नहीं गया मतलब भगवान का नाम आज नहीं तो कल लेने पड़ेंगे और बताओ उसके मेरे तीन कैसे ऋषियों के चक्कर ओ मैं पढ़ के कद्य कष्ट नहीं सहना चाहिए भाई सतगुरु जी की शरण में जा अभिमान नहीं रहना चाहिए जगमाल सिंह जो तेरा नाम माने अज्ञान को कहना और ना चाहिए जी 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 एन सुध
करो जी। जीजा जी के बात ओ सुना मैं जीजा जी कड़कड़ायो ना मैं ओके नाम है जीजा जी। यो जी मेरी ससुराल वाला अंदर गयो तारो जी करे तो ले लियो माड़ाऊ थोड़ी तो लियो ही मिले ना। ओ बाबा फालतू मत बोल ये धुना ठार चलता बण। ये धुना तो नहीं देगा बिल्कुल भी। ओ धुना तो ठाणो ही पड़ेगा। देखे हम अलग प्रकार के संत महात्मा हैं, ये धोना बिल्कुल भी नहीं है। ओ धोना तो ठाणा पड़ेगा। अच्छा हाँ कैसे ठाणा पड़ेगा बताइए। सुन ले कैसे ठाणा पड़ेगा। बाबा जी नहीं है जी। ओ ये कुछ हो रही है और मैंने नहीं लगा राम रहीम को चलो है। अच्छा राम रहीम को चलो लग और के कहते क्या करना चाहते तेरी बात है बता। तू दोनों ठाले मेरी बात सुन। वो नहीं उठे कहिए ओ धूनी ने हटा ले हो बाबा या ऑर्डर राजकुमारी कहा मेरी बात सुन ले पापा जी आया को मंत्र मार देगा 15 लीटर दूध देगी पर अड़ जा काली भैंस बना दूंगा शाम ना बाबा जी के यार Thank you.
संग क्यों कह लो रही क्या हुआ ते आई उठे चली जाओ ठीक है जा तो तू बाबा जी दोनों ठाके मां मसाई बाबा जी बोले मसाई बाबा जी कड़े तू तू तो कोई राम पाल कोई चलो है कोई बाबा जी कोनी रण दे अन्नी प्रीत हां फालतू मत ना मने याद दुआ गेल की बात फालतू मत ना बोल तू अरे मैं जो तेरे दूना का तू है जी जो हमारी राजकुमारी चंद्र किरण है उसकी आंखें ना कभी परेशान करे राजकुमारी का आंखें हाँ मेरी बात सुन ले के आपकी महारानी के दर्शन करने हैं मेरे विष्णु मन सपना ले बाबा अच्छा बिनाई मर जाएगा ऐसा कैसे मर जाएगा बिनाई सुन ले मेरी बात कैसे ये बाबा जी के उतरे में मेरी बात सुन ले सुना दे और दिल ₹50 से फिर से अशोक जी शेखवाल 350 रुपए से टोटल पार्टी का मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद धन्यवाद और देखिए बंदी हाँ मेरे कहने से काम कीजिए के बाबा जी अरे लेना है तो बाबा शनि महाराज का नाम लीजिए हाँ। ये काम तुम ना कर सको तो एक काम कीजिए वो क्या बाबा जी कब्र में जाके मुर्दों के साथ आराम कीजिए बाबा फालतू मत बोल तेरी नाक तोड़ दूंगी और जे आगे नहीं इनकी आंट में तो तेरा नींबू सली छोड़ दूंगी अच्छा रात ले रही नींबू निचोड़ बता गर्मी में 5-4 गिलास मने बना के दे जमी तो कहूँ बहुत गर्म हो ये दोनों ढंग तो चलते हो ये दोनों नहीं टेबल दी क्या करा सकते हो काका को नाम है क्या बहुरो
ना तो अरे अभी तो बताया भावरा एक ऐसे गुड़ता उसका काम होता फूलों पे मंडराना। अच्छा मैं भावरा की बात करे तू और रस को ग्रहण करना। अच्छा अच्छा हाँ और मेरे पास सुन ले रबड़ के भौरा बाग महारानी को बोलना कि महात्मा जी आए हैं आपके बाग का दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा उस बाग में मेरी एंट्री हो सकती है? बीच में देख और नींबू को बैठ बैठो और एक बात है लागना चाहते हैं आदमी बड़ा ही बोली जना किसान नींबू तोड़ोगे पचमावड़ी सतपुरुषों के दर्शन हो जाए तो संतों की बात ही कुछ और होती है। और कतई किस प्रकार से तेरे को पता है? सुनने किताबों में लिखा है संसार दिल्ली नानी आला चौक। हाँ ये मेरा मोबाइल
क्यों झूठ बोला है? झूठ क्या इसमें? वो काका ऑर्डर बड़ा कोई चौक हो मर्जन दुनिया में प्रसिद्ध हो तेरा नानो मेरा नाना कने भी तो बड़ो लठ हो करतो कितना बड़ा मेरा नाना कने भी तो बड़ो लठ हो कितना बड़ा ये मेरा काका ओट बड़ो कितना बड़ा इतनो कितना बदन के तेरा दाम लागे के बीच में टोकनी लठ जारे सटाई से टूपन मेरा नाना कने इतना बड़ा लठ हो करता कितना बड़ा जब गांव में बरसात नहीं होया करती पांच में बारिश ना होया करती पांच दस बूढ़िया बैठ के पंचायत करे बूढ़िया बैठ के पंचायत करा करता न्यू कहा करता रही बेटा बारिश को नहीं काल पड़ गयो काल पड़ गयो फिर न्यू कहता राजी शाह नाना ने लियो फिर नाना नाना ये नाना वाड़ी उलट ना कुआ पतर के आए करतो पंचायत बैठा फिर न्यू कहा करता रहा भगवाना ऐ तेला लठना बादल कड़ा बादल यलो नानो बाड़ी लखना न्यूको कर सिद्ध बादलां ठोको सिद्ध बादल पाट जाय करता बीस बीस हंगा में बरस जाय करता खाड़ा भर जाय करता इतना बड़ा लठ होया करता बीस बीस हंगा बरस जाय इतना बड़ा लठ होया करता एक बात बता जी तेल नानो लठ ने कदरिया करतो कड़ा करया करतो हां तेल नानी वाला चौक मुदरिया करतो मार दे जना बैठे कावड़ी में मन्ने पागल बना है कि तो कर दे कोटड़ बड़ा चौतक है ओ बाबा जी हां तू मैंने कोई पहलो हसी की दिखाई सो कड़ा कड़ा मतलब क्या क्या वो है उस तारा में है बंदी जो दिल
सारी मिल के बोलियो, शर्म मत करियो।
शरम मत करियो मेरे काकी ताई और चार का पता तो सारी की अन तो मेरे मुंह तो बीच में मत बोले मैं थाला पानी खड़ा रही तावड़ी सी बोल इनकी बात मत सुनियो सारी बोलियो मिलके बोलियो जोर करके बोलियो हां मेरी मत सुनियो मैं तो चाय पत्ती में बिगड़े हूं हैं कि सुनियो सारी बात सारी बोलियो जोर करके बोलियो ये मेरी माता बहनों जोर मत कमा चोर करो ऊठ ऊठ जाता रे मार ला के फाइट आपने तो न्यू बोलो मेनू को तो बीच में मत बोले बोले बोल सारी बोलोगी तैयार हो बिल्कुल तैयार जोर से मिठो से जयकार लगाई मुझसे वो सवाल है ये भी देख और नहीं तो के बोलिए बाबा से अरे डांट के हो रहा है हैं काकी मरेगी कि क्या उखड़ होगी देख काली गुलकोच दी बताओ तेरे आराम बोल बड़े सूर्य पुत्र श्री देव महाराज की क्यों जयकारो छड़ी बने बस तेली तो जयकारी थी जयकारा तो मारला बोलेगा ए बोलेगा जयकारो ये मारला बोलेगा जयकारो ए बोलेगा जयकारो कमी बंद कर ले माखी घुस जाएगी ये भी मारला बम पार्टी का ना बावड़ी मारला बम ए बम है अरे तानी गुआ जबर का ऊपर के जाने तन ए बम है हां ओ राम जी तो सारा बम एक बात बताओ जी ए जो बीच में बैठे हैं कौन सा बम है अरे बावड़ी तो सुसुड़िया वाला बम है अजो गैल ने बैठा वे वो आइटम बम अजो आगे आगे बैठे ये टिकड़ी पटाका है ना मच्छर एक बात बताओ जी ये इतना सारा बम ले रखे हैं तो अन के काम में लिया करो और ना तो बाहर तरफ पाकिस्तान को लठ बाजा बना दोबारा हां जाके काम में लूंगा अब गैलड़ा रे गैलड़ा में पछे काम में अरे टिकड़ी पटाका के गांव आओ है अन मैं बता दूं थोड़ी देर में क्या काम आओ तो एक बार जोर से शनि जी महाराज का जयकारा लगाएंगे और भाई पर अपना अपना मोटा और मर्द को आपो मेरे साथ आ बोलियो और ना और कोई पीर बानिया में शामिल हो वो है कैसा से बोलियो ये सारा का सारा मर्द बैठे ही कोई मत बोलिए सब ने अपनी अपनी लगाए की किस में हेलो ये कर करा कर अंडा बैठे ही क्या की सोचन ला के थे बावली जोर और शोर से जयकारा बोली मैं देख के बताते हैं काका बिल्कुल बदना बोलिए तो ना काकी की कसम है काका बोलियो एक बार जोर और शोर से जयकार लगाएंगे बोल शनि जी महाराज जी की जय हो 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 क्या एक अदा कोनी बोले बीच में ये कोई तेरम शामिल है कौन बोले आ बाकी सारा बोले मेरा भाईड़ा न्यू बता हां अरे तू कथा तैयार हो रही साज मैं मामा शनि देव महाराज के दरबार में जाऊं या दरबार में के ना आज मन बाबा का काके ड्राई ड्राई के जी निकाल दियो हो गरौ आई की कभी मोटी ताजी आई सुकाती तो वो गांव में बेरो ये कौन पतलो कौन मोटो न्यू बता कर तैयार हो रही है शनि महाराज के जागे बिल्कुल के ले आओ कितनी खाती पीते करेंगे ते खाटी तगड़ी मोटी ओ हो कियो ये भगवान कहे के निकल के गांव में आ जाओ जी और भी के भाई जी अच्छा आ तो बीच में सुनीता कहे जी पहुंच गए के नाम जी बजाओ ताली जोरदार बजाओ क्या नाम ये बताओ के तू पापा का के ला गया तो बता मैं के जी बता दूं के काकी हो बता ते माता बहन बता दूं के लाऊं बाबा का ये शर्मा बता क्या बता दूं बड़ जानी शर्म ही होता है शर्मा होना बता तो घर का बैठे बता दूं के बता मैं जाके नो कहूंगी के हे बाबा जी हे शनि महाराज मैंने हमें एक छोटो सो एक नन्नो सो नन्नो सो एक प्यारो सो प्यारो सो एक क्यूट सो ओहो कति सोनो सोनो रे बारे जावत जाएगी हां को मतलब है हे राम जी समझाओ काकी और क्या को पल्ले पड़ गयो मने बोल के बता सीधो सीधो बाग फूट गया मेरा तो फूट गया पट्टी करवाओ मैं के करूं बता के जाओ करण फूट गया करण अच्छा नो कहूंगी ए बाबा जी ये बाबा जी मैंने तने एक छोटा सो छोटा सो एक नन्ना सो नन्ना सो एक प्यारा सो प्यारा सो एक छोटा सो क्यूट सो हां जी टांबरियो चे दो घंटा लगा दिया इतनी सी बात में तना पड़ा पड़ा बचो रही तो आजू तो कठे आई गांव में बिल्कुल ताजा ले तू रात को ही बनेड़ो ताजा ही रात को बनेड़ो ही
बिनाई बाड़ा को ले बिनाई बाड़ा को को कठे वो बाला बच्चे साफ हो गए रह जा वो एक बात बताओ थे मने के मैं का लाड क्या करूंगी लाड बच्चे बच्चे का कर ले क्या सीधी लगाओ ओहो ऐसा गोदी कह लूंगी मेरा काका गोदी का तो तू ले ले काको आप ले ले वो ये को पूछने की बात है मनो कौन से क्यों कौन चाहे मैंने अपनो चाहे अपनो अपना मतलब है अपनी कुक को चाहे तन तो कह रहे पेट को चाहे हाँ अरे तो ये कि तंबू में उतार रहा ये भी कहता पेट का होगा पावड़ी चार तरह बाबा के ले चलूंगा चल बाबा सब की जोड़ी बना सनी जी महाराज और क्या बता बिल्कुल 80 साल वाली पूरी मान
क्या तकलीफ होगी जी? फूल ना पचाड़ गए। हाँ जी। है का फूल किने गया? अरे फूल मेला काका चाड़ गया, बैठा के आ गए। ये बताए फूल के कर था का? अरे मैं बताऊ कुर्सा नाचा करता। कुर्सा नाचो है करता? ये जो परडी पुरुति नाचा करते हैं का नाच पूरी ना। हाँ यह बन गई ताई मोरली। ओए ओए ताई। हाय ताई। हाँ बेटी। ए ताई रुक। ये बेटा रुक। ए ताई रुक। हाँ बेटा। हाय ताई भरपाई। हाँ बेटी। एक बात बता। कौन सी? कान जो तू सपना बतावाई। हाँ वो सपनों बीच में छोड़ के जाती है, वो सपनों बताए ताई। ए बेटा सपना की बात मत पूछे। क्यों? मना पड़ जानी शर्म आवे। हाय ताई बताए। ए मेरा बेटा काल पर जाना सुपनो नार नोड़ का नहीं हूँ गाड़ो जोड़िया। नार नोड़ का नहीं गाड़ो जोड़िया वे? आर मन्ना बना तेरा माँ पढ़ूंगा पुटड़ी। हे ताई। माँ पढ़ने बाप करा तेरी माँ मैं पढ़ तेरा बाप माँ पढ़ तेरा पति साब पढ़ मेरी कुटी लुगाई में क्यों पढ़े? हे ताई। अरे मेरा बेटा सुपना में तेरा पैलड़ा ताऊ दिखे। हे ताई रुक 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 रुक। पैलड़ा ताऊ मतलब जो ईद वो ताऊ है वो कुछ होता हुए। ये बेटा ये तो है पता लगा रहा है क्यों हंस रहे हो बैठे हो बीच में? आर पहले बताओ तेरा खत्म हो गया मेरा। के बात होगी पहले बताओगे? ये बाप को दारू पी के भर के बताओ। आर मेरा बेटा तेरा ताऊ ये दिखो तेरा ताऊ सुपना में ऊंट बन रहे है छड़ी। ताऊ ऊंट बन रहे हो? ये मेरा बेटा मैं टाबरा ने लिया सूती पड़ी खाट में। और टाबरा ने लिया सूती फिर ताई? अरे मेरा बेटा बबलिया मेरा कानी न्यू नाड़ कानी है छड़ी। न्यू नाड़ कानी? ये मेरा बेटा मेरा कानी ऊपर मुंडो करके करियो कुपुर मगर मटर सिक्का नसिया कुर्सी खोल के टिकर है। और फिर ताई? ये मेरा बेटा तेरा ताऊ कोई करिया मींगना। ये मेरा राम जी। अरे बेटा दस दस किलो का मींगना। दस दस किलो का मींगना? एक मींगना पर चढ़ा तत्व पर तो मेरी छाती और छोरी मैं बाजी उठाऊ तेरे और बेटी उरा के सत्संग मांगी। सत्संग मांगी फिर कह नाची छोरियो देखे नाच नाच हो ये पूरी की नाचा करती मैं बताऊं कह नाचा करती ईब देख कह नाचा करती देख बता।
भी तारो काम बढ़िया तेरे अनको तीसरो स्टेप ये मेरा भगवान काका न्यू करेंगे। कई बार तो यहाँ आड़त जी के खड़ी हो जाए पेट्रोल पंप तेल का लाने खातर आ रही तारो सीधा ना था लेकिन शनि महाराज का दरबार हाँ सच्ची भावना से प्यार सच्ची भावना कैसे प्यार है और बाबा का कैसा प्यार होना चाहिए कैसा प्यार होना चाहिए अल्लाह अल्लाह की कसम बाबा से वो बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। 200 रुपए से कॉमेडी भी खुश होकर के बबलू चौधरी जी सरस डेयरी फॉर 200 रुपए से बबलू चौधरी जी हमारा मान और सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। क्या बताया अल्लाह अल्लाह की कसम इतना भला आदमी बच्चा बावड़ी इतना भला भला सोच का आदमी बच्चे तो नहीं बेरा है के? सब के सब धार्मिक विचारों के आदमी और सब धर्म की जथे जगह धर्म की हा? ये बड़ा बुजुर्ग कह करे जो धर्म करा वो धर्म सांड बाकी मैं तो बावड़ी पूछ बावड़ी बात मत करे सब धार्मिक आदमी बैठे आई अच्छा और बता बाबा का क्या करना चाहो
तेरा क्यों वो क्यों रे तेरे तेरा दिक्कत के है दिक्कत तेरे है सारा बंदर तू नचे जा रहे है बंद या हम को नहीं हो रहे भागा चले गया ने देखी पेट के हजार बार कह दी मेरे उरम तुम्हारे क्यों ए मेरी बावड़ी समझाए आदमी की कोई इज्जत ही को नहीं जाने क्यों क्यों जद भी भागा कि उरा मारा भी बड़े तेरे ए भगवान उरम मत मार अरे क्यों हो गयो उरा गल मत मारे अरे क्यों हो गयो अरे बारे डॉक्टर मना कर रखी तो डॉक्टर मना क्यों कर रखी है बोलो राजेश यार कटाऊं में मरवा उरो मत मरवा अगर लाका बहुत ते तो जान से ती फट दे बड़े मोटार हो बींद बाबू बींद बाबू वो का कदे हाथ नहीं लगाना चाहिए क्यों नहीं लगाना चाहिए मेरा कुए का हाथ मत लगावे क्यों नहीं लगाना चाहिए अरे कुए का हाथ मत लगावे क्यों नहीं लगाना चाहिए वो काका समझाओ तना को मेरा बावड़ी ऊंट को थुओ और मर्द को कुओ बीर पानी तो भूल के हाथ नहीं लगाना चाहिए क्यों 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 उठ जाना मारो खाजा अच्छा और मर्द तेरा ने के हूं के कर जा के थपड़ा के जे और के मेरी बुझे सर दिन डरावे का बाबा का चाल तो डरने की कोई जो ने चाल पता कर है ओ बाबा नंबर के जे वो मेरा नाम ही हराज देसी गांव का रहने वाला देसी खानिया पीनिया द्रौपदी तो अपने सगा आओ तो आओ नहीं कोई भी आवे लेकिन आप तो काका तो हाँ सगा ठीक बिल्कुल देसी राग नहीं कैसे ना मजा से पी जा पर कर मैं ये दादी मजा बाज रहा खाने में वो बना गाने तो कई आवे से हैं लेकिन मजा से देसी गाने में हरियाणा में जितने भी कवि हुए हैं देसी गाने गाए हैं बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं एक देसी समाज के भजन ये मेरी काकी ताय बेल्ट डब्बा में क्या ले बैठी हो आगन सर क्या होता है आगन सर को आराम हो बैठो और ये काका ताऊ गैल ने बैठे ये भी आगन आ जाओ थोड़ा थोड़ा भजन बताओ अरे नाथन बस में नायो मने बस में ना बस में रही ना जुबान रबी कड़गी ये ऋषियों की संतान क्या बात है बहुत बढ़िया भाई अरे ना तने बस में ना मन बस में ना बस में रही ना जुबान रबी कड़गी ना पसमा रही है जुबान बिगड़ गई ऋषियों की संतान
संत महात्मा बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भारत देश में जितनी भी है जनसंख्या ऋषि मुनिया की संतान, अब बिगड़ की कहीं आजकल तो 2.5 साल का चोरन बुझले हर भाई कह कोचो मोटो मैं पढ़ा उनको उतना के लेना चाहता है कोई हो बताओ कह कोई हो आपको माँ बाप को नाम भी कोई बताऊँ आजकल 2 घंटा भी कहता है छोरन में कई देर हूँ देख रहे हो मोटो ही नहीं ने देख कौन मार जाने देख रही 3.5 साल को सारो बन ये आजकल का कौन था क्यों ये गोरे विदेशी चले गए मिठा गोरे विदेशी चले गए आज घर घर में काले अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल के माँ सब रहे बच्चों को भेज इंग्लिश मीडियम स्कूल के माँ सब रहे बच्चों को भेज और माँ को मम्मी पिता को तेती पत्नी को बोल रहे निषेध गुड इवनिंग करे गुड नाइट श्रीमान बिगड़ की ऋषियों की ये गोरे विदेशी चले गए आज घर घर में काले अंग्रेज संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिंदी से सब करे परहेज इंग्लिश मीडियम स्कूल के माँ सब रहे बच्चों को भेज माँ को मम्मी पिता को डैडी पत्नी को बोल रहे मिसेज कभी गुड मॉर्निंग कभी गुड इवनिंग करें गुड नाइट श्रीमान भी गिड़गिर सजनो ये अंग्रेज तो चले गए पर जानी अंग्रेजी उन्हें छोड़ गा आज कोई भी आपका टॉपर ना हिंदी मीडियम में गाल के राज्य को ना सारा इंग्लिश मीडियम में ठोके और जब से यह इंग्लिश अपने भारत देश में चाली है सजनों ये राम का नाम खत्म हो गया पहले पंचर बुढ़िया काल में बैठ जाया करता भाजी राम रूमी कराया करता और ये इंग्लिश चलता नहीं पड़ जानी आजकल तो गुड मॉर्निंग थोड़ी देर पास गुड आफ्टरनून शाम ने गुड इवनिंग रात ने गुड नाइट करके मना पड़ रहे राम का नाम कटाई नहीं सजनों पहले घर कमाई ना टॉपर जाम जाया करता ये बुढ़ती बैठी पानते से किताबना का नाम कटिया करती नाम भी कौन सा है करता देसी है करता भगवान का नाम कौन सा कह को बुद्धराम कह को अर्धूल कह को मंकुराम कह को नथुराम कह को हरिओम कह को राम किशन कह को सूर्यपान ये नाम है करता देसी आजकल तो टापर जानता नहीं अंग्रेजी में नाम छोड़ते हैं कि चिंटू मिंटू टिंटू टोनी ये कुत्ता का नाम तो आदमिया का कटा लग गया आजकल भगवान का नाम सोचना कठिन नहीं है समाज के अंदर इतना परिवर्तन हो गया कि पढ़ाई लिखाई के अनुसार सारा काम चेंज हो गया पहला घर का बोर्ड लगा करता फलान सिंह चेयरमैन बाबूलाल एडवोकेट आजकल एक बोर्ड लगा कुत्तों से सावधान बताओ की मतलब की बात से सुनो पढ़ाई जाता होगी आजकल नंबर 2 में सुनने लायक बात उस कवि ने बताई और कभी यहाँ थे तो हिटर भाई धतराष्ट्र और युधिष्ठर कभी यहाँ पे तो हिटर और युधिष्ठर आज मास्टर कहीं डॉक्टर कहीं इंस्पेक्टर कंडक्टर आज मास्टर कहीं डॉक्टर इंस्पेक्टर कंडक्टर कहीं कलेक्टर कहीं परिस्टर कहीं ऑडिटर डायरेक्टर कलेक्टर कहीं परिस्टर और कई मिनिस्टर स्त्री सिटर यूज कलेक्टर डिफॉल्टर भाई ये कई मिस्टर टर टर ने खा लिए कान बिगड़गी ऋषियों की संतान कभी आते दो ही टर धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर अरे आज मास्टर कहीं डॉक्टर कहीं इंस्पेक्टर कंडक्टर कहीं कलेक्टर कहीं बरिस्टर कहीं ऑडिटर डायरेक्टर ये कहीं मिनिस्टर स्त्री सिटर यूज कलेक्टर डिफॉल्टर ये कहीं सिस्टर तो कहीं मिस्टर इन टर टर ने खा लिए कान बिगड़ गए ऋषियों की संतान सजनों
भारत देश में तो इटर है करता क्या तो धतराष्ट्र का युधिष्ठिर ये पड़ जाना काकी और मटर टमाटर में बात होता है भारत देश में इतना डर होगा जाए कि कोई हद नहीं है। थोड़ी देर पहले मुखिया जी कह रहा कि मशीन का जमाना आ गया सजनो हकीकत बात है आजकल सारा काम हमें बटना हो चाल गया आजकल सबसे पहले यो बटन को जमानो पड़ जाना है कई देर होगी मैं सुनीता बेबी जी का देखता है दो घंटा आगे बटना होने लायक रही भगवान जाने के तिलक ढूंढेगा बटन का जमाना है सजनो पहले जागरण होया करता सांगी होया करता ये सांड को नहीं सॉरी साउंड को नहीं होया करता भाई जी आजकल तो बटन का बहुत नहीं हुई तुम रोड़ो हो जाए लोगों का कान बोलो आ गया बटन दबाता नहीं है भजनी भजन का है रब बटन दबाता नहीं पिंड में गोता नहीं है छोरी नून और बटन दबाता नहीं पड़ जानो आजकल चून पीस जा पहले माता बाण हाथ पीछा करती बटन दबाता नहीं दूध मिल जा बटन दबाता नहीं दूध घट जा अगर ये बटना को जमानो पड़ जानो न्यू चाल तो रहे तो अगर टब्बर भी बटना हो जाने ना तारिया बता दे भारत देश में देसी काम लाने की कोशिश करो अंग्रेजी काम थोड़ा कम करो नंबर तीन में बहन बेटियों के बारे में बताया उस कवि ने कैसे भरत जिनकी जिनकी कुख से मिले दयानंद का सुभाष चंद्र बोस जिनकी कुख से मिले दयानंद का चंद्र बोस भ्रूण हत्या हो रही गर्भ में मारी जा कन्या निर्दोष भ्रूण हत्या हो रही गर्भ में मारी जा कन्या निर्दोष समाज को खा रही बुराई पंचायती बैठे खामोश समाज को खा रही बुराई पंचायती बैठे खामोश और बोरी बांध के चक्कर काटे बहु मिले ना ससो को वो रहे मर्द शेष रंडवों का देश बढ़ जाता हिंदू सितान बिगड़ेगी ऋषियों की संतान जिनकी कुख से मिले दयानंद गांधी सुभाष चंद्र बोस सजन वो भी एक माँ के लाल थे अपनी माँ के पेट से किसी न किसी माँ के पेट से पैदा होते सुभाष चंद्र बोस गांधी जी जैसे नेहरू जी जैसे न्यू कहने काका की पहला आदमी जमया करता है बावन बावन किलो का तो बाला ठा लिया करता है यहाँ संतान पैदा है करते आजकल तो बावन किलो साबतों बोझ कर पावे माल्टा पीपी की 35 किलो बोझ मिली नहीं सारे तरह रखे सजनो जब बालो ठाउन को काम भी पड़ जाए कह तो बालो को नहीं रखा आपको नहीं जिनके कुख से मिले दयानंद गांधी सुभाष चंद्र बोस भ्रूण हत्या हो रही गर्भ में मारी जा कन्या निर्दोष समाज को खा रही बुराई ये पंचायत की बैठे खामोश और मोड़ बांध के चक्कर काटा बहु मिले ना सो सो कोस रहे मर्द शेष रंडवों का देश बन जाएगा हिंदुस्तान सजनों ये हकीकत बात है मेरी एक लाइन और बची रंडवा की संख्या वास्तव में बढ़ती है हरियाणा राजस्थान में कई जगह देखती हूँ क्यों बढ़ती है क्योंकि छोरिया ने जाम के काका को राज्य को न्या जैके घर में छोरी जाम जा अड़ोसन पड़ोसन बुटड़ती के खबी गरी आए थे अपा के वहां ताली ताली बोड़ी के पेट मंडिया केटा बटी करो गहन कंत यही बात जा छोरी जाम जा जना बाबू डरती माथे माथ मारे के ऐसी जिंदगी मां मार तो बाठो या पड़े बताओ छोरी जाम जा जना बाठो आ पड़ो नू को मेरे अंडारू तू जामे जद के सोनो बरसियो और जा जाम जा छोरा ए भगवान ने टांगरिया पड़े रहे पछि जा छोरा जाम जा रात का 12 बजे भी बाबू डरती थाली लेके बटाई बट काम ने चला दे और पाछे एकली चर्चा कर चर्चा करते हैं ले भी बुधराम के मां मार तो राम कुमारी एक अच्छा छोरिया पर सिर ढकोने एक तूतड़ो की हो भगवान अन न तूतड़ो बोलो आजकल तो काका पगाड़ी की भी कीमत है तूतड़ा की कोई कीमत पहुंचा ट्रक का ट्रक भरियो जगह जगह रोड तो आने ठेका कमाए मारे जूझनो जिलो लागे जना गैल ने सर्वे करवाए गयो जना हजार छोरा के गैल 800 छोरी पाई गई हकीकत बात है सजनो अंदाज दे लगा लो 200 छोरा तो गोरखनाथ जी का चेला बनना पड़ी भाई जी कहीं के बरात लेके बने छोरी आ ठीक हो गया और यो काका ज्यादा रोड़ होने को बोरो मारने की बात को ना चौधरी के घड़िया लाग रही अपने चौधरी का लड़का पढ़ लिख के फौज पुलिस में लाग गया जना तो छोरा का रिश्ता घर आ जा नहीं चाहे कितना ही फेसबुक चलाओ कोई गुरु बुझे मारला काम में 48 साल का हो गया सुभाष नाम है बापड़ा सुधा सादा आदमी है पट रह गया 48 साल का हो गया कोई रिश्ता को नहीं आया मुंह का घर का बैंड बजे
वालो बाप बोला रहा सुभाष क्या ये बैंड कह का बजे है। वो बोलो कह का बला माँ बाप प्यू का बजे। बोलो कहीं आ। बोले वो फलाने फौजीरे को ब्याह है जरा ऊ का बैंड बजे। अरे बोले अपना अपना तो बोलो शंख बाजे लास्ट बोले क्या का बैंड बाजे। तो सच में दोस्तों छोरा आजकल जो सिटी मारता है डेंटन का तो शंख बाजना है बाकी कोई उपाय बने। आजकल तो काका एक सुख हो रहा है आजकल ये 50-50 हजार रुपया हम झारखंड उत्तर बिहार पश्चिम बंगाल में लिया लग गया। अरण का सुख देखो रखो इतने रखो ने लिया इतने की बेच भी देखो है ठीक हो जाए। ये समाज काल है ये बुढ़िया कह के नहीं। ये सच में एक बात हकीकत है आने वाली 5 और 10 साल के बाद में ना ही तो देसी गऊ मिलेगी ना ही देसी बहू मिलेगी। ये हकीकत पर हकीकत बात है सजनों क्योंकि समाज में हमारी कुरीतियां ऐसी फैल चुके हैं। और देखो ज्ञान की बात कही नहीं जाना लुगाई पिताई माता भाण भी ऊट ऊट चाल पड़ी। ये हकीकत समाज का हालात और मुकेश जी ने कहा कर रहे पांचवा को डांस लगे तो वो सब बैठी बैठी बैठो मारे आर्मी करने थोड़ी देर पहले महाभारत के समुचार रागने को नाम लेते हैं पार। ये सजनों हकीकत बात है कि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है लेकिन यह काला सिराना ने कहा कितनों ही समझा ले आप आई करे बिना रह को न्या मारे को राजस्थान की बुढ़ की हरियाणा में ब्याई गई और बूढ़ी ऐसा गई रजगुण रखा करती वो बूढ़ी का सांस उठा कर तो एक दिन हक देने भगवान ने जी दे दी बूढ़ी आ रहा बूढ़ के रो रो के सब तो काम की लुगाई ने बेड़ी कर ली। गांव की लुगाई पताई कच्चे गई है धापा रांड कही रो बलो शानो रो के मेरे तो एक ही बूढ़ी हो भी जाते रहे है रंडारू एको की हो सब गए तू बूढ़ दिना बुढ़ा है वाह बूढ़ थी मेरा काका डटाई को ना रो ही रो एक महीना बीत गया। छोटनी बेटा की भूखी में समझदार थी बोले ओ माँ रो यो बढ़ जानो के रोनो हो ना तो टूकते खुद खाओ ना ही माने खाने दो रो रो के टमाटर भर की आंख लाल कर रहा कि तमा बोला बेटी मैं 70 साल बूढ़ी साके गुजारी एक मिनट में कह भूल जाऊं एक काम करिया करो सात पलक अपनी भैसा खोल कर उजाड़ मंडा लिया करो बाहर ना अंडा ना कहना भूल जाओगा बूढ़िए ने ये बबू ने तीवा अपनी जाड़ बेच करो भूख की बात मान के ससनों भैसा खोल के उजाड़ में चाल पड़ी आर बड़ जानी भैंस चरती चरती हूँ बूढ़ी वाला मुसाणा में आगे क्यों ने चरण लग गया आर कल कल वह काका बुढ़ती भी मुसाणा में पहुंच गई आर जू ब मुसाण दिखा आर बुढ़ती ऊपर की ऊपर जापड़ी मुसाणा आर मेरा काका जोर जोर हूँ रोवे सारी राख खिंडारी रो मेरा रिकेश काका कट्ठा गई और बावड़ा रोवे भगवान का कोई करना है बूढ़ी की कोई खोपड़ी बचरी वह बुढ़ती का हाथ मांगी मेरा काका ही बोले वह खोपड़ी आई ना अरे बुढ़ती करिया कोई लाड ये मेरा भगवान कदे छाती का लगा कदे ओठा का लगा कदे मत का लगा रब रब पड़ी कुल्ला पट्टा गई और बावड़ा लाड करूं खोपड़ी का ऊ खोपड़ी मड़ो आजकल को सो चिड़पड़ो मौसम लो पांच चार एक ततैया बढ़ रहा बुढ़ती को ठा का नहीं कर मेरो सुसरो एक टाइट क्यों आई है को लड़े बुढ़ती को ठा का बुढ़ती का तीनों फेसा बिजली बरोबर आर जू वो टाइट जो लड़े और बुढ़ती पूछ के पसीनों कह तो लाड कर रही और काका जाड़ पीछ के बका के मारियो राम मर रहे सीता नासी बुढ़िया मर न मर गयो छूटा बटका का मीठी को छोड़ एने चाहे कितनों ज्ञान ढोल दो काका चाहिए अन्य विधान से। तो सजन आज के लिए हमारे समाज का हाल अंतिम लाइन में उस भजन में बता दूंगा मैं कैसे ओ अपन मैं है सीता बारे में बताया सजनों किस प्रकार से वेतों के प्रचार बिना दुख भोग रहा आज सर्व जहान वेतों के प्रचार बिना सर्व जहान अंधविश्वास के चक्कर में भाई हर व्यक्ति हो रहा परेशान अंधविश्वास के चक्कर में हर व्यक्ति हो रहा परेशान छाना सेवड़ा फिरे डॉक्टर अंधी दुनिया बोधू ज्ञान कई भूतनी तंग कर कई लांडा भूत करे गमसार कई भूतनी तंग कर कई लांडा भूत करे गमसार
वेदों के प्रचार बिना दुख भोग रहा सर्वजहान, अंधविश्वास के चक्कर में हर व्यक्ति हो रहा परेशान, छाना सेवड़ा फिरे डॉक्टर आंधी दुनिया बोतू ज्ञान, और कहीं भूतनी तंग करे कहीं लांडा भूत करे कौन सा। आजकल सजनों देवी देवता को कहने को मेरे पाटा ये पाखंडी जितना भी जो बाबा है लाल लंगोटाड़ा ये सारा का सारा जेड़मू फिड़े, कोई आसाराम कोई रामपाल कोई राम रहीमी जितना भी बाबा सारा जेड़ में पढ़ाई पाखंड का जमाना सजन दुनिया मुठी पड़ी रह करती, घर घर का मैंने आसाराम बापू का कैलेंडर आया करता, अखबार आया करता, किताब नहरी आया करती, आज वो देखो कट्ठे पड़े। असली माँ बाप है उन्हें कोई पूछे को नहीं, असली देवता हूँ उन्हें कोई पूछे को नहीं, मार लगा हमारा पांचर एक मेरा खड़ी कावड़ लिया है, और मेरा बूटी यार बूटती के मार मार के टकना सुजारा मेरा घर खड़ी कावड़ लिया है, तो कावड़ किए काम की सजनो। एक मुड़ो पाखंडी मेली नहीं मुड़ो टिब्बे को ऊपर छान गाल है कि 15-20 एक चिल्ला बठारा क्या बुझा करे, बोले मैं पूर्व बांध दू पश्चिम बांध दू उत्तर बांध दू दक्षिण बांध दू हवा बांध दू पानी बांध दू, मेला काका गिनी को बुजुर्ग कर बेटे का बाप तेरी झोपड़ी क्यों माद रहे नहीं कि तो छान टूटी पड़ी बता भी चलना रहा है क्या कर पूर्व पश्चिम बांध दो अंडे। तो सच में आजकल पाखंड का जमाना ज्यादा आ गया, भलाई कर सच्चाई का जमाना कम हो गया, और एक है धर्म पालिए दुर्ति चंडाल सब बन जागे लुकी मन भी करेगी बदल गया हमारा, अरे नचने आली न देखने खातर यो आवे हम सारा सोच बदल गई दुनिया की, बैठा भाई, और सोच बदल गई दुनिया की, किस किस के हाल सुनाऊं मैं, रसारा की नजर बाग में टिकरी के गीता पाठ पढ़ाऊं मैं, रसारा की निगाह बाग में टिकरी के गीता गान सुनाऊं मैं, कर्म धर्म की बात और गाने में समझाऊं मैं, कई बठे जाड़ में पिसे न्यूला के बैठ जाऊं मर, कई बठे कई कई जवान भाई है ना तू कह तो आया कि कसूती खटन गए उखड़ गए बठर ये छोड़ी खड़ी हो जाना ना, बहुत मैं दुश्मन लाखों पे कई जना तो क्योंकि पहली बात तो सुन के राजी को लिया, अरे संस्कारी मर्यादा भूल गए और संस्कारी मर्यादा भूल गए, ये तो खेल बदल गया सारा। प्यार नाम भगवान का है, प्यार आ
आजकल कोनी हो भाई जी, प्यार तो पहले आया करता। प्यार क्या लैला मजनू ने श्री फरियाद ने हीर रांझा ने, वो प्यार आजकल तो भाई जी यूज एंड थ्रो प्यार, बाकी क्या कहते प्यार गुण कुछ नहीं। क्यों जो प्यार कर गए लेकिन है ना यो संसार ने गणखरों को बिगाड़ने को काम भी बॉलीवुड कलाकार को। हरियाणा के सुपरस्टार कवि हुए श्री दादा लक्ष्मीचंद नंदलाल जी, ऐसे ऐसे कवि हुए सदन बहुत ही अच्छी अच्छी 50 साल आगे की बात उन्होंने बता दी कि क्या होने वाला है। वो होते थे कवि और ये अपना टेलीविजन वाला कवि है ना, सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट में एक पहलो गानो चाले तो हम तुम एक कमरे में बंद हो चाबी खुल जाए, यो पुराना गानो चाल मत काका जी उस भगवान ग्रहण की चाबी पाओ ही ना घुट घुट मरे भीतर भीतर की गाना बजाना का है। सजनों नंबर दो में इस फसल ने मारे देश की खूब बिगाड़ी चाल हो तेरा क्या कहना, फसल ने बिगाड़ दियो सारो देश बिगाड़ दियो बताया। तेरा आया जमाना फसल का ये तो से, ये 8 साल के ये छोरे भी हर फेस फुस चलावे से, और 8 साल के छोरे भी ये लुगावे से, हर माँ बापा की कदर न जाने ये तो नई नई फ्रेंड बनावे से, ये भाई सारा पटावन खातर इंग्लिश के पट बनावे से, एक साकर बैठ जानू गंगा आज तेरो नंबर भुजिया मैला में बोतल डी थी ये प्यार बच गयो। पलड़ा बुढ़िया कह करता कौन किसी का और दाना पानी ले आवा, आज तो भाई ये काम हो गया कौन कहे का और दारू पानी ले आवे, और कह गए आजकल तो बटे हुआ होगा ना काम में पवन जी होगा सब ठेको कर सी डाला काम में को राम रूमी गुंदर को ठेको पले भुजे अरे कैमरा मोटी पिन और चार्जर भुजे कोई भगवान का नाम नहीं कोई राम रूमी नहीं सजरो। अरे भाई ने आज भाई मारे भाई ने आज भाई मारे बरगे गावड़िया ने आधी जनता नाटे थी एक ताऊ बोलिया डांस कर देर फिर किल की सीता थी एक ताऊ बोलिया डांस कर दे फिर किल की सीता थी राजा जब ताली बोली रखी सिख ताली बाजे थी अरे नारे की सजागरण होया दो चार करांड नाचे थी देखो ए काम का बूढ़िया तो बहुत बड़े हैं लेकिन राजस्थान में कई जगह चल जाए मतलब कोटा काका न्यू धोती बांध के आगे आगे बैठेगा और जो छोरी बैठी है जमीन अरे मैं बताऊ के पूछे है खड़ी कर बावड़ा साहूकार आया काम सारा
एक छोरी को ब्याह कर दियो फौजी के सागर, वो फौजी की ड्यूटी लागी कोई दूर टावरन साकई ले गयो। 15-20 साल में याद आई रे, दिवाली को टाइम से बूढ़ा बूढ़िया हूँ मिला, बोले भगवान मत मेरे घर जाओ, पुटल तिर बूढ़े मेरे माँ बाप हूँ मिल के आऊंगा। बोले शानो ते जाओगा तो मैं भी मेरी माँ हूँ तो शर्ट फुलक मिल आऊंगी। जूस नारनोल स्टेशन पर उतरा तो 2 किलोमीटर पर मडन को करते। बोले शानो एक काम, बोले शानो ताले घर तो पचे चलना, पहले मेरी माँ हूँ मिला लिया, कोई बात को नहीं। 15-20 साल बाद में पांच दस एक टापर हो गया, पांच दस एक झोड़ा एक तंगो कर लिया। तंगा बोलो भी मेले में तो नावड़ा को नहीं, दो तंगा करना पड़ेगा। दो तंगा ठाटा ठुक गया सामान का टाबरा का, आर जूबा तंगा करा पड़िया हूं मैडम के। फिर मैं जनवालो पापो कुर्सी का लिया बैठो जाके छोरी में, रे काका राम राम, रे काका तन तो बोला साल देखियो रे मर, देख तो कहे की कोठी बना ली काका, बहुत उनकी गिरीता है तो आकाश में रह काका, बहुत बढ़िया लेटरिन बाथरूम बना लिया घर काका, यहाँ का मुंडा कर रहा क्या, बहुत उन्ती करी इतने वो दो तंगा भीतर न बढ़िया, वो दो तंगा भीतर बढ़िया। और देख के टावरा बोले छोरी उन्ती करना तो तय भी काची कौन छोटी गई जो तो एक ली गई, पर दो तंगा ठाटा ठोक के जाइए। तो कोशिश में भारतीय से उन्ती करना तो काची कौन छोड़ रही है, लेकिन कुछ सामाजिक बात है उनमें थोड़ा गैल है। आजकल ये तो गावणिया ही सजनो, जो पहले गावणिया अलग था आजकल का कुछ अलग है। आजकल तो कविता है तरीके की बने कैसे, और आजकल के गावणिये और नए नए छंदी बनावे से, ये रजती सती की बात न जाना, ये तो लंडी कुड़ती गावे से, ये रजती सती की बात न जाने, लंडी कुड़ती गावे से। दादा लक्ष्मी चंदन रबूल गए भाई, सजनो लक्ष्मी चंदन की कदम ये काका ताऊ बैठे हैं मेरे नौजवान भाई, बोले लक्ष्मी चंदन कौन कौन जाने गुरु पर नाथ करेंगे, यहाँ दूसरे ने जुटे याद करेंगे। लक्ष्मी चंदन है ये बूढ़े जाना के दो चार भाई नौजवान जाने के, लक्ष्मी चंदन ही आना के सुपर स्टार कवि हुआ था। दादा लक्ष्मी चंदन भूल गए वो तो बिल्कुल ना शर्मावे से, येरा फिर भी पारी पड़े कोन्या, या तो नचन आली नामे से, येरा फिर भी पारी पड़े कोन्या, ये तो नई नई कंसर आमे से। और ओड़ में काका बस लिया को भी कोने को साई करने जाना मार्ग नहीं, मैं भाजी नाच नाली कहीं रखे हैं गाँव नाली कहीं रखे हैं, पहले फेसबुक पर फोटो दिखा मन माने डांस दिखा जना बापना भजन यार को साई पत्री करे माभर का बैंड आज मैंने कुछ पूछे ढाई ढाई किलो का पोटर लगा के जना मार भगा की भी बूझ जैसे जना आजकल आदमी की बूझ को ना निश्चय में लेके ऊपर तक बीर पानी को जमानो आ गयो। आदमिया का एक चीज पत्यारी का नरे कम परात गिरो और मोज करो, यो काम तो आदमिया का पत्यार, बाकी बाप आदमिया को कोई जोर नहीं। सजनो गुरु पृथ्वी सिंह ने मेरे हुई, गुरु पृथ्वी सिंह ने मेरे हुई, राजेश दुलारिया घर बार बुझ गयी बर्थू का घर चले गए, बर्थू भी 85 साल का हो रहा बूढ़ा घूस, आर खाट में सुत्या आर वापा बर्थू सुना क्या ले। वो बर्थू बापड़ा कई देर में खड़िया है, बोले ये दापा मेरा तो क्या काल है बावड़ी तेरा सुना 85 साल में आज ही मिलिया। दापा बोले रहा बर्थू मेरा तो क्या काल है, जैसे मैंने ब्याई थी वो तो बढ़ जानो 6 महीना पाछा ही खत्म हो गो, ये पाछा है दापा पाछा के पूछा का बर्थू मेरा देवर खाऊं तो पल्ला लगा दे, आर बढ़ जाना खेत में गया जाना काली सांप लड़को 2.5 महीना पाछा वो भी जाते हो, ये दापा पाछा है पाछा के काका ताऊ में एक और छोरो तो ऊंट पल्ला लगा दी, आर पड़ जानिया हार्ट अटैक वाली बीमारी है कि चादरी 3.5 महीना पाछा वो भी जाते हो, पाछा है ता पा पाछा के पूछेगा बर्थू छोरो तो एक और थो मेरी निगाह में, मैं देखी रांड तेरे तो भाग में बींद लिखा को ने क्यों कहा घर खाली करती आने जबकि मत निकी की नु बैंडी बैठी
सोचना वो भरतू बीमारी से अपना परेशान हो रहा है, 85 साल की उम्र हो रही, आज खड़िया के बोले तो एक मेरे नाम की भी चूड़ी पहन ले, मेरा भी पंडा छूट जाए धरती को, तो कहने का मतलब समझना एक राग नहीं और गद्या करो मेरो भी पंडा छूट जा। भाई एक थोड़ी चटपटी सी बात आपके बीच में, अरे भगवान राम 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 जी आए थे, तेरा थोड़ा बहुत शर्म संको है कोन्या क्यों गयो, अरे पावली यो आतो मुंडो गाड़ो आर्या के ओढ़ रहा किया या पतली पतली हम तेरा मुंह दिखे सारो सा, ये लिया जी दुपट्टा यो पड़ जानो क्या को दुपट्टा हो मनिया बता क्यों गयो, अरे ये मैं तेरा मुंह दिखे अब की बार जो काम गई थी ना जो नयो लेके आई नयो लेके आई है हां तने यो ही पाया कि दुपट्टो क्योंकि एक कमी है ए तेरे को थोड़ी बहुत शर्म संको करया मेरो परिवार बैठो काकी सुत्रो बने के दुपट्टो सही है ना, दुपट्टो तो सूत्रो है लेकिन ए मैं के सदकी में दिखे तेरे दुपट्टे में मतलब ना बावली में लो पकवारे तुम डरो कोनी तुम बुगाड़ा मुंडा अंदर लाग रही है ओ हो काका जी तो मुंडो देख लियो मेला काका तेरा मुंडो देख और के एक काम कर के ताता पानीयो दो क्या नहीं मैं तो ना बताऊं मुंडो पाटर को तने बता अरे काका मेले काकी को मुंडो देखो बदरेनी पाटर को भाई मैं तो खेत में आया जना देखी काकी मुंडो पड़या पड़ी अरे पत्तालो कैप्सूल मुंडन विरोचना बंद हो तने बता अच्छा काका ने मने भाई काका घर आ रहे हो तेरे काका ने लुक तो चिप तो आता मैं गौरी आके बैठ गए काको बड़ा भलो आदमी है अरे बहुत भलो है कितना भलो आदमी है पूछ मत अपने घर ले चला बहुत भलो आदमी है बहुत भलो आदमी कितना भलो आदमी है मैंने को बहुत भलो रे कितना भलो आदमी है घर ले जान कोई माती को बावली तू क्या खतर सारी बात बुझे अगर मेरी बात सुन ले हां सुनाओ अब तेरा दुपट्टा ने चेंज कर दे क्यों मना शर्म आवे है शर्म आवे तो मुंह ढक ले अच्छा मैं ढक लियो मुंह और के मेरी बात सुन ले हां ये आपकी बात सही है कि दिल के बाजार में दौलत देखी नहीं जाती वाह वाह कि दिल के बाजार में दौलत देखी नहीं जाती और माल अगर अच्छा हो तो कीमत देखी नहीं जाती और दिल से दिल मिल जाए तो फिर सूरत नहीं देखी जाती अंगूठी में चढ़ा हुआ नग उसे नगीनी कहते हैं और प्यार करके छोड़ दे बुढ़ापे में उन्हें डबल कमीने कहते हैं सूरज निकले तो रोशनी दे आपको हम तो कुछ देने के काबिल नहीं ये शनि महाराज खुशियों भरी जिंदगी दे आपको इतनी अच्छी कमेटी क्या बात आई है एक छोटी सी रागनी और आपके मध्य हम कवियों की ये रे क्यों काया फटका तू माया और जोड़ जोड़ के दर जागा श्री किता ज्ञान सुना कर बंदे तू बल्ला पारू दर नंबर एक मुझको भी नहीं पता ये अंगहीन की सेवा कर ले चांदने पल की चाहे ना हो इन विद्वानों की सेवा कर ले जाती चाइना हो और गा के घी का अवधि करया करी जतन में परसाना हो ये पर नारी ते बच के रहिए और जतन वंश चलाना हो
जी देखो मैं तो 4:30 होगा मजो बात तो भी कितनों का हमारा दो लोहार दारू पी हुई दारू पी हमारे का एक लोहार करना सो जाता होगा जो दूसरो बोले वो रमुड़ा बोलो चरचुरो लिया चरचुरो दूसरो कांख उपन करके बोलो मेरी कांख चाट ले कहकर भुजिया लिया हूं इतारा कहने का मतलब सजनों की देखो इतारा तो भक्ति भाव की बात ही अच्छी लगे ना चरचुरो चीज अच्छी को नहीं हो नंबर दो में माँ बाप के बारे में मुझको भी लिखा कितनी अच्छी बात मेरा मात पिता भगत मात पिता गुरुओं की सेवा कर ले तन मन वो धन ला के रस सेवा ते तेरी पार हो खेला वो देख लिए मेवा खा के अरे धन चावे तो धर्म करा करी तीर्थ ऊपर वो जा करके रपुत्र चाहे कर संत की सेवा लोगों को माया ने बिछड़ा दे वो शरीर बक्सा सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं उस परम पिता परमात्मा के अपने माँ बाप के क्यों उनकी कंपनी में काका कोई घाटो को नहीं वो दो टांग लगा सके तो दो टांग और भी लगा सको लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमें इंसान बना के भेजा परम पिता परमात्मा ने बहुत बहुत धन्यवाद उस परमात्मा को बताते हैं कि सारा दोष इन नजरों का है इंसान की नजर अच्छी है तो इंसान का दिमाग भी अच्छा इंसान की पवित्र आत्मा भी अच्छी है क्योंकि इन्हीं आंखों से हम हर कुछ देखते हैं वो बताते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट जैसा हम बोलते हैं वैसे स्पीकर बोलेगा वैसी नजरों का खेल है सजनों बता ये तिरछी नजर लगाने वाला यू काना अंधा ये हो जाता मांस मिट्टी के यो खाने वाला यो कीड़ा गंदा हो जाता ये सबको बंदगी करता रहे उससे हर का बंदा हो जाता सबको बंदगी करता रहे हर का तारा हो जाता अब भाई धंधा हो जाता भाई अब भाई धंधा I'm